आजकल विवाह विच्छेद बहुत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों पर एक तथ्यात्मक ज्योतिषी वर्णन मैं आपको बताता हूँ कि आजकल जो समाज में विवाह में विच्छेद हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण मुहूर्त का अभाव, मुहूर्त की अनदेखी और ज्योतिष परंपराओं में मेलापक को अन्यथा कर देना। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तलाक शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, तलाक का यानी संबंध विच्छेद का, विवाह विच्छेद का वर्णन कहीं नहीं है। इसलिए हमारे विवाह में सबसे महत्वपूर्ण विवाह को जोड़ने की प्रक्रिया को, पक्का करने की प्रक्रिया को मेलापक कहते हैं। उसमें 36 गुण होते हैं, टोटल 36 गुणों में 18 गुणों का मिलना बहुत अनिवार्य होता है, जिसमें विशेष रूप से नाड़ी आदि का विचार, नाड़ी ग्रह मैत्री आदि का विचार, भकुट का विचार अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आज के समय में इन सब चीजों का लोग अनदेखा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी कारण से भी संबंध विच्छेद होते हैं। और दूसरी बात, आज जो विवाह में अच्छे मुहूर्त देख के पंचांग के आधार पर रखे जाते हैं, जिसमें पंचेष्ट माना जाता है, यानी पंचम के जो इष्ट है उनका अभाव ना हो, पंचेष्ट के अभाव के बिना अगर विवाह होता है तो निश्चय ही उसमें संबंध विच्छेद होना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, मन मुटाव रहना या संतान का न होना तक ऐसी समस्याएं देखी गई हैं। ये हमारा एक ज्योतिषी अनुभव रहा है कि अगर विवाह में मेलापक के अथवा मुहूर्त का अभाव रखा जाए तो इस तरह के दोष जरूर बनते हैं। और मुहूर्त की बात करें तो मुहूर्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कई बार हमारे पंडित गणों से भी कुछ भूल हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्राह्मण कभी हड़बड़ी में यजमान आजकल फोन पर मोबाइल पर मुहूर्त दिखवाना चाहते हैं, तो उनसे कहूँगा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। होटल के मालिक आजकल विवाह तय करते हैं, आप पहले जाइए तो होटल वालों के से मिलिए, आप पंडित जी से मिले कि हाँ इतने इतने तारीख को बन रहा है, पंडित जी बताया, अब पंडित जी ने बताया और जब आप होटल पे गए तो वहाँ पर पंडित जी ये तो खाली नहीं है, कोई दूसरा बताइए। अब आप दूसरा फोन पे पूछते हैं तो वहाँ पे समस्याएं होती हैं। इसलिए मुहूर्त को आप ज़्यादा बेहतर हो कि पंडित जी के समक्ष प्रस्तुत होकर और अच्छे से इत्मीनान से आप मुहूर्त दिखवाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिन का विवाह होता है और रात के में जो विवाह के विहित नक्षत्र हैं वो उनका अभाव हो जाता है, तब भी लोग दिन के विवाह के मुहूर्त में रात का विवाह करते हैं और रात के विवाह के मुहूर्त में दिन का विवाह करते हैं। इससे भी आपके मुहूर्त का अभाव होता है, जो भावी वर और वधु के जीवन को सुखमय होने से दुखमय बनाता है, उनको कष्ट और दाम्पत्य जीवन में कलह प्रदान करता है। इसलिए हमारे जो विवाह करने वाले वर वधु हैं या उनके जो परिजन हैं, मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि आप इत्मीनान से मुहूर्त दिखाएं और मुहूर्त में विवाह करें। मुहूर्त में किया गया विवाह सफल होता है, उसमें किसी भी तरह की समस्याएं होती भी हैं तो उनका समाधान समाज के लोगों के द्वारा मिल जाने पे बैठक से वो संपन्न हो जाता है।